गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास से हम सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पॉइंट कवर कर रहे थे। और जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तीन मेथड से निकाल सकते हैं, उसमें से जो फर्स्ट मेथड थी दैट इज कॉल्ड एज अ फैक्टोराइजेशन मेथड। ये फैक्टोराइजेशन मेथड हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, ओके। और जो हमारी सेकंड मेथड है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स, मतलब स्क्वेयर को कंप्लीट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस, मतलब सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर, ये मेथड स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल या फिर एक सिचुएशन को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नाउ रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। द प्रोडक्ट ऑफ सुनीताज एज इन द इयर्स, मतलब एक सुनीता नाम की लड़की है जिसका एज इन द इयर्स दे हैव मेंशन, इन द इयर्स 2 years ago, इसका मतलब क्या है कि सुनीता का एज 2 साल पहले, 2 years ago, 2 साल पहले, एंड हर एज 4 years फ्रॉम नाउ, और उसका जो भी एज है वो एज 2 साल पहले और आज के बाद 4 साल के बाद, मतलब अगर मैं सुनीता का एज अगर x कंसीडर करता हूं तो 2 साल पहले यानी कि -2 और 4 साल के बाद, मतलब x उसका एज कंसीडर करता हूं और 4 साल बाद मतलब x प्लस 4 इज 1 more than 2x हर प्रेजेंट एज। अभी क्या है कि 1 more than 2x हर प्रेजेंट एज, ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, ट्वाइस हर प्रेजेंट एज का मतलब मैंने लास्ट एग्जांपल में भी ये ट्वाइस वर्ड आया था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्वाइस का मतलब क्या है कि ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, हर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितना कंसिडर किया था हमने, x कंसिडर किया था। बट यहाँ पे अगर आप केयरफुली रीड करते हो तो स्टेटमेंट को, आई विल रिपीट वंस अगेन हियर, अगर आप स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करते हो तो यहाँ पे देखो इज नाउ 1 more than 2x हर प्रेजेंट एज, तो ये तो हो गया ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, 1 more than, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूँ तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। दैट मींस इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2x आई हैव टू राइट 2x + 1, म्हणजे लक्षात घ्या व्यवस्थित व्हाट इज हर प्रेझेंट एज आणि तिचं प्रेझेंटचं वय किती आहे हे आपल्याला या प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे। आता सिंपल सांगतो, या क्वेश्चन्स मध्ये आपल्याला एक दोन तीन गोष्टी क्लिअर करायच्या आहेत, तर आपण दोन तीन गोष्टी पहिल्यांदा क्लिअर करून घेऊ आणि मग आपण प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा ते बघू, ओके। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या बताता है कि सुनीता नाम की एक लड़की है जिसका एज 2 साल के पहले, 2 साल के पहले मतलब हम कैसे कंसीडर करेंगे, सपोज वी विल कंसीडर द प्रेजेंट एज विल बी एक्स, ऐसा कंसीडर करते कि सुनीता का प्रेजेंट एज कितना रहेगा, एक्स रहेगा, और 2 साल के पहले, 2 साल के पहले मतलब एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, हर एज 4 years फ्रॉम द नाउ, मतलब 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद कितना होगा वो x माइनस 4 हो जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्यों करना है, क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन किया है द प्रोडक्ट ऑफ सुनीतास एज इन द 2 years एगो एंड हर एज 4 years फ्रॉम नाउ, 2 साल के पहले और 4 साल के बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, दैट इज 1 more than 2x हर प्रेजेंट एज, 1 more than 2x हर प्रेजेंट एज का मतलब क्या है, 2x यानी कि ट्वाइस ऑफ हर प्रेजेंट एज, अगर इसमें वो 1 ऐड कर देता हूं तो मुझे इस प्रकार का इक्वेशन मुझे मिल जाएगा, क्लियर। सो जैसा हमने अभी कंसिडर किया था उस प्रकार से ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो टू आंसर दिस, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अभी हमको पूछा क्या गया है, वॉट इज हर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट की एज कितनी है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, आपल्याला इथे या इक्वेशन मध्ये काय करायचं आहे, एक्स ची वैल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे, ओके। टू आंसर दिस
लेट हर प्रेजेंट एज इन द ईयर बी एक्स, जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि उसका जो प्रेजेंट एज होगा वो प्रेजेंट एज क्या करेंगे हम एक्स कंसिडर करेंगे। ओके तो जो अभी हमने ऊपर जो इक्वेशन लिखा था मैंने, ये एक्स जो है दैट एक्स विल बी द, वो हमने कंसिडर किया है कि सुनीता का प्रेजेंट एज कितना होगा, एक्स होगा। और उसके बाद जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन क्या थी, देन द प्रोडक्ट ऑफ हर एजेस ऑफ टू ईयर्स एगो एंड द फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ इज एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस फोर। मतलब 2 साल के पहले उसका जो एज था वो हमने एक्स माइनस टू कंसिडर किया है और 4 ईयर्स फ्रॉम द नाउ और 4 साल के बाद उसका जो एज था वो हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स प्लस फोर कंसिडर किया है। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम में सिचुएशन दी है उस प्रॉब्लम के सिचुएशन के अनुसार हमको क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 2x+1। ये 2x+1 कैसे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है वन मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। मतलब उसका जो प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस से अगर एक ज्यादा करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको मिल जाएगा। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे, देखो जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एक ब्रैकेट ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। सो सिंपली मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आएगा, ये एक्स को पहले यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद ये एक्स इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे है माइनस तो माइनस एज इट इज रखूंगा, ये 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस 2x और इस माइनस 2 को इस प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो बाद में क्या बचता है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस 4x में से 2x चला गया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, माइनस 8 इक्वल टू जो रिमेनिंग राइट साइड इक्वल है उसको एज इट इज रखता हूं दैट इज 2x+1। अभी यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी 2x है और राइट हैंड साइड की तरफ भी 2x है तो ये दोनों 2x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो प्लस 1 है लेफ्ट राइट साइड में प्लस 1 है, लेफ्ट साइड में आने के बाद क्या होगा, वो माइनस 1 होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। सो आवर इक्वेशन, जो हमको इक्वेशन है वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। सो ये जो सुनीता का प्रेजेंट एज है उसका जो सेटिस्फाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² - 9 इज इक्वल्स टू 0। सो अगर आप x² - 9 इसको सॉल्व करने की जब कोशिश करोगे सो सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली अभी इक्वेशन क्या है, x² - 9 इक्वल टू 0, सो यू विल गेट द इक्वेशन x² = 9। सो अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का अगर आप स्क्वेयर रूट लेते हो, अगर मैं इसका भी स्क्वेयर रूट लेता हूं और इसका भी स्क्वेयर रूट लेता हूं तो ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। और जो राइट साइड का है, अभी आप बोलोगे कि सर स्क्वेयर रूट ऑफ 9 हाउ मच इज द स्क्वेयर रूट ऑफ 9, सो सिंपली आपको 3 पता चलेगा, बट स्क्वेयर रूट ऑफ 9 क्या आएगा, प्लस और माइनस 3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि वी आर गेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ एक्स, हमको यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, फर्स्ट वैल्यू इज एक्स इज इक्वल्स टू 3 और सेकंड वैल्यू हमको मिलेगी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3। बट हम सबको पता है कि जो एज होता है वो एज कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हम ऐसा कभी किसी फ्रेंड्स को बोलते हैं का कि मेरा एज -20 है, मेरा एज -18 है, बोलते तो हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स में ही बोलते हैं। सो ऑब्वियसली ये जो एज होगा वो एज कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा। जो निगेटिव नंबर आ चुका है उस निगेटिव नंबर को हम इग्नोर करेंगे और वो जो सुनीता का प्रेजेंट एज हमको पूछा गया है वो सुनीता का प्रेजेंट एज क्या होगा, विल बी 3 ईयर्स। मतलब सुनीता का जो प्रेजेंट एज है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में जो कंडीशन हमको दी गई है उस कंडीशन के अनुसार सुनीता का जो प्रेजेंट एज होगा वो प्रेजेंट एज कितना होगा, 3 ईयर्स होगा। क्लियर? सो दैट इज द मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ये समझ लो कि हमको यहाँ पे ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसीलिए इस मेथड को नाम दिया गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, या मेथड मध्ये आपण काय करणार आहोत किंवा या मेथड मध्ये आपण काय करतोय की थोडक्यात स्क्वेअर फॉर्म करण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणजे जी कंडिशन दिलेली असेल त्या कंडिशन वरून आपण एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन असं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तयार करतोय ज्याच्यामध्ये आपल्याला स्क्वेअर काढल्याच्या नंतर त्या एक्सची व्हॅल्यू म्हणजे त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आपल्याला भेटून जाते. म्हणून या मेथडला काय म्हटलेलं आहे, कंप्लीटिंग द स्क्वेअर मेथड. नेक्स्ट प्रॉब्लेमकडे बघू आपण. नाउ कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी यहाँ पे दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है. अभी व्हाट विल बी द सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आई विल यूज सम डिफरेंट पेन, दैट इज एक्स प्लस टू. ऐसा जनरल दिया हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. एक्स प्लस टू ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो. अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज अ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल्स टू नाइन. इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं. और अगर मैं ये जो इक्वेशन है फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर मुझे एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड का भी स्क्वेयर रूट निकालूंगा और राइट साइड का भी स्क्वेयर रूट निकालूंगा. सो अगर एक बार स्क्वेयर रूट निकाल देता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस टू. ओके, ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा. ओके, स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा तो इसका कुछ इशू नहीं है. सो एक्स प्लस टू इक्वल टू प्लस थ्री एक बार लेता हूं, और जो दूसरा इक्वेशन होगा, दूसरा इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस थ्री मिलेगा. क्लियर? सो क्योंकि ये जो अंडर रूट ऑफ नाइन होगा, अंडर रूट ऑफ नाइन के दो वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे, एक प्लस थ्री मिल जाएगा और दूसरा माइनस थ्री मिल जाएगा. सो अगर x प्लस टू इक्वल टू थ्री आता है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू फाइव. यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू फाइव मिल जाएगा. और अगर आप दूसरा माइनस थ्री अगर कंसिडर करते हो तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन मिल जाएगी. क्लियर? सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, उसको इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो. सॉरी, यहाँ पे x इज इक्वल टू, जस्ट वन मिनट, यहाँ पे मिलेगी आपको, ये टू है, उस साइड जाने के बाद माइनस होगा. सो यहाँ पे मिलेगी आपको x की वैल्यू वन मिलेगी, और यहाँ पे माइनस प्लस टू है, यहाँ पे प्लस टू है, सो उस साइड जाने के बाद वो वैल्यू हो जाएगी माइनस. सो यहाँ पे मिलेगी आपको माइनस फाइव की वैल्यू. ओके, मेक द करेक्शन ओवर हियर, गलती से मेरे से इधर प्लस और इधर माइनस हो गया था. सो प्लीज मेक दैट करेक्शन, ये इतना करेक्शन कर लो आप प्लीज. सो ये उधर जाने के बाद माइनस होगा, सो थ्री माइनस टू बिकम्स वन, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन मिल जाएगा, और यहाँ पे था माइनस थ्री, सो यहाँ पे प्लस टू था, वो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा. सो माइनस थ्री माइनस टू बिकम्स क्या हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा. सो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन, मतलब आपको दो वैल्यू कौन सी मिल चुकी है, x is equals to plus 1, you will get x is equals to plus 1, और दूसरी वैल्यू क्या मिल चुकी है, x is equals to minus 5. So the root of this equation, ये जो equation हमको दिया गया था, that is x plus 2 bracket square minus 9 equal to 0, इसके जो root है, the roots are 1 and minus 5. Right? So x square plus 4x minus 5 can be written as, और ये जो equation है x square plus 4x minus 5, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, that is x plus 2 bracket square minus 9 equal to 0, by this process completing the square. मतलब ये जो equation है ना, which one is this equation, that is x square plus 4x minus 5 इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को मैं एक्स प्लस टू ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो इस प्रकार से भी लिख सकता हूं. सो टू राइट दिस काइंड ऑफ द इक्वेशन इन टू दिस फॉर्म, दिस इज नोन एज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर. ये जो मेथड है, मतलब जो हमने ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को बोला था, इस इक्वेशन को इस सेकंड नंबर के इक्वेशन में लिखने की जो मेथड है, इसी मेथड को क्या कहते हैं हम, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. मतलब अगर आप दोनों इक्वेशन देखते हो तो दोनों इक्वेशन का मीनिंग सेम ही है. आप दोनों इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 1
एंड माइनस फाइव ही मिलेगी, बट ये जो मेथड है ना जिसको जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव को मैं एक्स प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो इस मेथड में जो मैं लिख सकता हूँ ना, सो दैट मेथड इज नोन एज अ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसी मेथड को कौन से नाम से जानते हैं हम, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब यहां पे एक इक्वेशन हमको दिया गया है, उस इक्वेशन के जो रूट्स है वो हमको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस मेथड से फाइंड आउट करने हैं। सो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो अगर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो थ्रू आउट बाय 5, मतलब इक्वेशन के लेफ्ट साइड को और राइट साइड दोनों को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, सो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी आप पूछोगे कि सर सिर्फ 5 से क्यों ही मल्टीप्लाई करना है, व्हाई ओनली 5? अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ओके, सो यू कैन मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट उसका जो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ऐसा नंबर आप लोग फाइंड आउट करना है आप लोगों को कि जिसके थ्रू आप इस इक्वेशन को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड को, तो यहां पे क्या आएगा, सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ दिस 5, सो 5x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ दिस 5x, ओके, प्लस कितना लिखूंगा मैं, प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे ये जो स्टेप मैंने लिखी है, अगर आप इक्वेशन का यहाँ पे भी अगर देखते हो तो आई एम राइटिंग दिस स्टेप, इस स्टेप को मैंने लिखा है। सो इस स्टेप का अगर आप थोड़ा सा इलेबरेशन करते हो, तो इलेबरेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो ये कितना होगा, 3 टू जा 6 एंड 6 फाइव जा 36, सो यहाँ पे कितना आ रहा है, 30x आ चुका है आप लोगों का। ओके, और उसके बाद 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर को मैंने कैसे लिख दिया है, सिर्फ 5x लिखा हुआ है और उसका क्या क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ। ऐसा करने का मतलब क्या है, देखो हमारा जो इक्वेशन होता है ना, सो अगर आप इलेबरेट करते हो, अगर आपको ये फार्मूला पता होगा a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर? तो अभी यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पे a का मतलब क्या हो चुका है, यहाँ पे a मतलब अपना 5x है, b का मतलब है आपका 3, और c का a का मतलब है 5x और b का मतलब क्या है, 3 है। सो अगर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज थिंग्स, मतलब अगर इतना बड़ा लिखने से अलावा मैं इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, इतना ही लिख सकता हूँ, राइट? और ये 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 को 10 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू एज इट इज रहेगा। सो बाद में ये माइनस 9 और माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या आएगा, 5x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 19, ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। सो जो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो एवरी प्रॉब्लम
यू हैव टू कन्वर्ट, हर प्रॉब्लम को आपको इस प्रकार में कन्वर्ट करना है। ओके देखो ये बात थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मुझे भी पता है कि ये आप लोगों को थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा होगा कि सर क्या कर रहे, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन देके इसको समझने की कोशिश करोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये जो मेथड है ना, यही मेथड सबसे डिफिकल्ट मेथड है। वर्कशॉप मैथमेटिक्स में आपको बाकी सब इजी चला जाएगा, लेकिन ये मेथड बहुत दिमाग खाएगी। अगर एग्जाम में आपको, मतलब भगवान से आप लोग प्रार्थना करो कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वेयर ये मेथड से नहीं आनी चाहिए। अगर ये मेथड से आती है तो यहाँ पे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमको परफेक्ट स्क्वेयर मिलेगा ये सोचने में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पे बोला था कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 5 है, सो 5 5 25 हो जाएगा। सो बेसिकली वी आर गेटिंग स्क्वेयर, हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली स्क्वेयर मिल जाएगा। क्लियर? और ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी आई होप, कि a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर को कैसे लिखूंगा मैं, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाने के लिए ये पूरा खेल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो स्टेप है ना, यही सबसे डिफिकल्ट स्टेप है। ये स्टेप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में 5x² है, ब्रैकेट में 5x² का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली आई एम राइटिंग, इनडायरेक्टली मैं क्या लिख रहा हूँ, 25x², माइनस को तो माइनस ही लिख रहा हूँ। 30x को कैसे लिखा है मैंने, ये देखो 30x को कैसे लिखा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5x मल्टीप्लाइड बाय 3। सो यहाँ पे 5x और 3 क्यों लिया है, क्योंकि a की वैल्यू मैंने कितनी कंसिडर करी है, 5x, और b की वैल्यू कितनी कंसिडर करी है, b की वैल्यू कितनी कंसिडर की हुई है, 3 कंसिडर की हुई है। सो इसीलिए फाइनली हमको ये इस प्रकार सा, मतलब जो ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा हुआ है उस प्रकार का इक्वेशन हमको मिल जाएगा। ओके सो दैट इज अवर फाइनल इक्वेशन इस प्रकार का। ओके एक दो तीन बार आप लोग जब रिवीजन करोगे ना इसकी, तो आपको भी आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे भी पता है, बट यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है उसको। ओके ये मेथड ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी उसके बाद क्या होगा, ये इक्वेशन मिलने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का स्क्वेयर रूट लेता हूँ। सो 5x माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू 19 ऐसा था। सो इसका भी स्क्वेयर रूट लेता हूँ और इसका भी स्क्वेयर रूट लेता हूँ। सो इसका स्क्वेयर रूट, लेफ्ट साइड का अगर स्क्वेयर रूट लेता हूँ तो स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5x माइनस 3 इक्वल टू, अभी अंडर रूट ऑफ 19 है, तो 19 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, तो मैं एज इट इज रखता हूं, उसको लिखता हूं प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 19। क्लियर? अभी ये 3 है, उधर जाके क्या होगा, प्लस, यहां पे माइनस 3 है, उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव 3 होगा। सो 5x इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 19, 3 प्लस और माइनस 19 डिवाइडेड बाय, ये 5 इधर था, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो यहाँ से 5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो दो इक्वेशन हमको कैसे मिलेंगे, एक क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5, ये एक रूट हो जाएगा, और दूसरा रूट क्या होगा, 3 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 5। मतलब जो प्लस माइनस है ना, प्लस का एक रूट हमको प्लस मिलेगा और दूसरा रूट क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। सो जो हमको रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला था, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो उसके रूट्स हमको ये जो नीचे सबसे लास्ट में लाइन में लिखा हुआ है, 3 प्लस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय 5 एंड 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 5। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से फाइंड आउट किया है। ओके हे बघा, याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे तुम्हाला, हे दिसायला जरी थोडंसं अवघड जरी असलं, तुम्हाला आता ही जी स्टेप होती ना बघा, या स्टेप मध्ये सगळ्यात जास्त कन्फ्युजन आहे। तर ही स्टेप करण्याच्या पहिलं, मतलब ये स्टेप करने से पहले आप लोग ए और बी ये दोनों फार्मूले आप लोग अच्छी तरीके से याद रखो। कौन से दो फार्मूले, दैट इज
ए एक्स स्क्वायर सॉरी नॉट ए एक्स स्क्वायर, आप ये दोनों फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद रखो. फर्स्ट वन इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. सो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब क्या हो चुका है, ए प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. और जो दूसरा फार्मूला है दूसरा क्या है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये दोनों फार्मूले याद रखो. और इसमें क्या करो, आप लोग ए और बी को डिफाइन करने की कोशिश करो. जैसे आप लोग ए और बी को डिफाइन करने में सफल हो गए तो ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा. सो जस्ट यहाँ पे डिफिकल्टी यही आती कि ए और बी को कैसे डिफाइन किया जाएगा. क्लियर? सो इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा एक दो तीन एग्जाम्पल की जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, वी हैव सीन द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ द मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सो अभी हमने जो दो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, एक था वो सुनीता के एज का फाइंड आउट करने का, और जो दूसरा अभी हमने सॉल्व किया था, एक हमको इक्वेशन दिया गया था उस इक्वेशन के रूट हमको फाइंड आउट करने थे. सो लेट अस गिव दिस मेथड इन जनरल. अभी ये जो मेथड है ना, तो इस मेथड को जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे अभी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सर ये a प्लस बी का स्क्वायर करना या फिर a माइनस बी का स्क्वायर करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला टास्क हो रहा है. मतलब a कहाँ से लेंगे, b कहाँ से लेंगे, 5 से कब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से कब मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब माइंड कन्फ्यूजिंग है. ओके, हमारे पास तो बहुत सारे नंबर्स है, तो तुम्ही विचार करत असाल की सर मग प्रत्येक वेळेला कुठल्या नंबरने कितीने मल्टीप्लाई करायचं हे कसं ठरवणार. ओके, तर त्याच्यासाठीच इसी के लिए, मतलब हर टाइम कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये तो हम बता नहीं सकते. सो इसीलिए लेट अस गिव दिस मेथड इन जनरल. तो इस मेथड को क्या करेंगे, हम जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. हाउ, लेट अस सी. तो एक जनरल हम कंसीडर करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही हम कंसीडर करेंगे. लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. ये बात तो हमको पता है, a विल नेवर गेट जीरो. a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए. और अगर इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को अगर हम a से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे. सो a x स्क्वायर को अगर a से डिवाइड करेंगे तो a a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा. इसको अगर a से डिवाइड करेंगे तो b by a मल्टीप्लाइड बाय x आ जाएगा, और c को भी अगर आप a से डिवाइड करोगे तो सिंपली c डिवाइडेड बाय a इक्वल टू जीरो आ जाएगा. मतलब पहले स्टेप में क्या करना है आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उस जनरल फॉर्म को आपको सिंपली a से डिवाइड करना है. कशाने डिवाइड करायचे, तुम्हाला a ने डिवाइड करायचे. राइट? तर आता बघा, अभी देखो ये जो इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन के बाद डायरेक्टली एक न्यू स्टेप मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज x प्लस b बाय 2a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय 2a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय a इक्वल टू जीरो. अभी यहाँ पे देखो ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस स्टेप का मतलब डायरेक्टली यहाँ पे मैंने कंसिडर की है, दैट इज a का मतलब यहाँ पे लिया हुआ है a इक्वल टू x प्लस b डिवाइडेड बाय 2a, और जो b की वैल्यू होगी b इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2a. सो इसका अगर आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, मतलब अगर आप a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर करोगे, तो आपको डायरेक्टली फाइनली ये स्टेप मिल जाएगी. ओके, सो इतना आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं कि ये एक्चुअली वी आर डिराइविंग अ वन फार्मूला. सो ये डेरिवेशन कैसे आएगा, ये डेरिवेशन आपको कोई पूछने वाला नहीं है. आपको जो फाइनल इक्वेशन होगा ना, वो फाइनल इक्वेशन ही पूछेगा. मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि ये जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर है, ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम ये स्टेप फॉलो अप कर रहे हैं. ओके, सो उसके बाद अगर आप ये स्क्वेयर करते हो, सो इफ यू डू दिस वन,
आपको थोड़ा सा करके बताऊंगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। देखो ये ब्रैकेट तो एज इट इज है, तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाला जो ब्रैकेट है वो एज इट इज ही है, सिर्फ सिंप्लीफाइड इतना करके बताऊंगा मैं। अभी देखो इसका स्क्वेयर करना है तो बी स्क्वेयर को बी स्क्वेयर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4a स्क्वेयर हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस क्या था c डिवाइडेड बाय a, सो c डिवाइडेड बाय a। अभी देखो इस यहां पे 4a स्क्वेयर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को 4a से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी मुझे 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया है, बेस सेम हो चुका है इनका, लेकिन यहां पे माइनस है, सो ऑब्वियसली जब ये माइनस को माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो यहां पे क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, बिकॉज इस माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, सो ऑब्वियसली माइनस 4 को पहले लिखता हूं, a को पहले लिखता हूं, बाद में c को लिखता हूं, डिवाइडेड बाय, अभी जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, दैट इज 4a स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन हमारा इस प्रकार से आ चुका है, क्लियर। सो ये जो सेकंड टर्म है, आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन यही पे हो रहा होगा कि सर हाउ दिस टर्म कम्स, तो ये टर्म इस प्रकार से आ जाएगी, क्लियर। बाकी ये टर्म को तो एज इट इज रखा है, देखो x को x रखा है, प्लस को प्लस, b by 2a को b by 2a, ब्रैकेट स्क्वायर को ब्रैकेट स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग को कैसे चेंज किया है अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर एज दोज ऑफ, सो इसको क्या लिखूंगा मैं, x ये क्या रहेगा इक्वेशन के लेफ्ट साइड को रहेगा, और ये क्या है, ये कैसे है, माइनस साइन है, तो उधर जाके क्या होगा, प्लस साइन हो जाएगा। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड बन जाएगा। सो इसको मैं कंसीडर करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ नया नहीं किया है, जो लेफ्ट साइड को था निगेटिव था, तो वो पूरी की पूरी टर्म को राइट साइड जाके क्या क्या बन चुकी है, वो टर्म अभी पॉजिटिव बन चुकी है। सो इस प्रकार से आप लोगों को इसको याद रखना, इट इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। आपको एग्जामिनर आपको ये कैसे नहीं, ये नहीं पूछेगा कि सर कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड से ये कैसे आ चुका है, आपको डायरेक्टली फाइनल इक्वेशन ही याद रखना है। बट स्लाइड में मैंने ऐड किया है, इसलिए मैं पूरी प्रोसीजर आप लोगों को बता दे रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी अगर यहां पे देखो, इफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर b स्क्वेयर और 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा या इक्वल होती है बाय टेकिंग इन दिस स्क्वेयर रूट, अभी जो हमने इक्वेशन 1 निकाला था, अगर इसका स्क्वेयर रूट लेता हूं तो मुझे इस प्रकार से मिल जाएगा, x प्लस b बाय 2a इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इस प्रकार से मिल जाएगा। सो और अगर मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये इक्वेशन सब लोगों को पता है, ओके। हे जे इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन तुम्ही 10वी पर्यंत सगळ्यांनी शिकलेले आहात, त्याच्यामुळे तुम्हाला डायरेक्टली फक्त हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचे आहे। आप लोगों को सिर्फ इतना इक्वेशन याद रखना है जिसको मैंने ब्रैकेट में रेड ब्रैकेट में रखा हुआ है। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 b square minus 4ac divided by 2a, so एक बार अगर plus लेता हूँ तो एक root बन जाएगा और दूसरी बार जब minus लेता हूँ तो वो दूसरा root बन जाएगा। so यहाँ पे लिखा हुआ है, so the roots of a square ax square plus bx plus c equal to 0 are minus b plus under root of b square minus 4ac divided by 2a and minus b minus under root of b square minus 4ac divided by 2a if, और ये दोनों रूट्स कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आप इस इक्वेशन का यूज करोगे, अदरवाइज आप लोग इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। इफ अगर वैल्यू कम होती है तो क्या होगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0
द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स, और अगर ये बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से कम होती है तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे. सो दस इफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर गिवन बाय माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए. और ये जो फार्मूला है दिस फार्मूला इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्लियर? सो जो 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 अभी हमने देखी थी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर, सो उस मेथड का यूज करके ही हमने इस फार्मूले को डिवाइड किया है. सो दैट इज नथिंग बट अवर थर्ड मेथड, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फार्मूला मेथड. आप उसको फार्मूला मेथड भी बोल सकते हो या फिर आप उसको टेकिंग स्क्वेयर्स मेथड के नाम से भी उसको आप बोल सकते हो. ओके? आप लोगों को इतना बहुत बड़ा डेरिवेशन याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है. सिंपली आपको ये जो फाइनल स्टेप है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट ऑफ सॉरी माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है. इज दैट क्लियर? और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम ये फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. अभी देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है. फाइंड द रूट्स ऑफ अ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, उस इक्वेशन में हमको उसके रूट्स हमको फाइंड आउट करने हैं. तो पहले हम देखते हैं पहला इक्वेशन कौन सा दिया गया है, 3x square minus 5x plus 2 equal to 0. अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू है minus 5 और c की वैल्यू है 2. a equal to 3, b equal to minus 5 and c equal to 2. तो पहले आप लोग कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले b स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू निकाल लो. b स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू तो निकाल लो. b स्क्वायर कितना है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 5. माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25. माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी है, 3 और c की वैल्यू कितनी है, 2. सो 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. So 25 minus 24 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. अभी ये देखो ये जो 1 है it is greater than 0. So हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा equation है that is minus b plus or minus under root of b square minus 4 ac divided by 2a. तो इसको हम directly निकाल सकते हैं. So यहाँ पे अगर आप देखते हो तो b square minus 4 ac की value हमको यहाँ पे कितनी मिली थी, 1 मिली थी. तो वो तो वैल्यू हम डायरेक्टली इक्वेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं. सो जब आप पुट करोगे सो यू विल बी गेटिंग टू डिफरेंट इक्वेशन. आपको दो डिफरेंट इक्वेशन मिलेंगे, जैसे कि x इक्वल टू यहाँ पे बताऊंगा माइनस बी माइनस और उसकी वैल्यू पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4 ac. अभी हमने b स्क्वायर और 4 ac की वैल्यू निकाली थी तो b स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 होती है. डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय a, a की वैल्यू कितनी है, 3 है. सो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे डायरेक्टली कितना आंसर मिल जाएगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 6. क्लियर? सो यहां पे अगर इसको मैं और फर्दर क्लासिफाई करता हूं, 5 प्लस 1 को अगर अंडर रूट लेता हूं तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 6. सो 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 1 मिल जाएगा. और जो दूसरा है यहां पे प्लस लिया था, अभी माइनस ले माइनस कंसीडर करूंगा. 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा. डिवाइडेड बाय 6 करता हूं तो इक्वल टू कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 6 आएगा.
सो 4 डिवाइडेड बाय 6 को क्या करता हूं मैं, 2 से डिवाइड करता हूं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो कितना आएगा 2/3। सो अगर मैं प्लस कंसीडर करता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिलती है 1, और अगर मैं माइनस कंसीडर करता हूं तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलती है 2/3। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 था, उस प्रॉब्लम नंबर 1 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दैट इज 3x² - 5x + 2 = 0, इसके रूट हमको क्या मिलेंगे, 2/3 एक रूट होगा और दूसरा रूट क्या होगा, 1 विल बी इट्स रूट। ओके, अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में क्या है, x² + 4x + 5। तो अगर आप यहां पे देखते हो x², मतलब x² दिया हुआ है डायरेक्टली, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। सो ऑब्वियसली a = 1 आएगा, b = 4 आएगा एंड c = क्या आएगा, 5 आएगा। सो b² मतलब कितना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4ac। देखो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब 0 से ज्यादा आती है, तभी आप लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर गलती से, मतलब बहुत इजी प्रॉब्लम आ चुका है, अभी आप लोगों को तुरंत मतलब ये करना है, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो बहुत सारे बच्चे मतलब फास्ट फास्ट करने के चक्कर में क्या कर जाते हैं, ये भूल ही जाते हैं कि वो अगर 0 से ज्यादा वैल्यू आती है तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा वहां पे, राइट। तो इसीलिए पहले b² - 4ac, 4 into a, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 5 है। सो 4 × 1 = 4, अगेन 4 × 5 = 20, सो 16 - 20 ये कितना आएगा, -4 आ जाएगा, और -4 कैसे, 0 से छोटा है, सो यहाँ पे हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है, सिंस द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, और किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ b² - 4ac विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यू। तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, इसीलिए यहाँ पे इसके जो रूट्स है, द रूट्स आर नॉट रियल, यहाँ पे उसके रूट्स क्या नहीं होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे, देयरफॉर देयर आर नो रियल रूट फॉर दिस गिवन इक्वेशन। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को उसका सॉल्यूशन लिखना है, मतलब अगर ग्रेटर देन 0 अगर वैल्यू हमको मिलती है, जैसे पहले इक्वेशन में मिली थी, पहला इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0 में मिली थी, वैसे हमको इस इक्वेशन में नहीं मिली थी। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे हम उसके रियल रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव होंगे। सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड इक्वेशन है, वो थर्ड इक्वेशन को देखो, यहाँ पे a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, -2√2, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ b, ये b की वैल्यू होगी, और c की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 1। सो पहले देखो b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हमको किसका स्क्वायर करना है, -2√2 इसका स्क्वायर करना है। सो b स्क्वायर क्या होगा, सो ये तो 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो b² = कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, सो दैट विल बी b² - 4 × a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1 है, सो 8 − 4 = 8, 8 × 1 = 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, दैट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो इक्वल टू मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम वो हमारा फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप इस फार्मूले में रखते हो x = -b,
सो माइनस माइनस ये जो b ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. सो 2 अंडर रूट 2 पहले प्लस लेता हूं प्लस और माइनस. अभी यहां पे देखो प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू हमको कितनी मिल चुकी है 0 मिल चुकी है. सो अंडर रूट ऑफ 0 लिखो या कुछ भी लिखो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं फर्क पड़ने वाला है. सो इसको डायरेक्टली मैं प्लस और माइनस 0 लिखने का कुछ मतलब होता ही नहीं है तो इसीलिए मैं डायरेक्टली मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं. लिखने की जरूरत ही नहीं है. क्यों 0 0 प्लस 0 क्यों लिखना है? प्लस 0 से कुछ होने वाला नहीं. डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय a, a की वैल्यू कितनी है 2. सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको x की कितनी वैल्यू मिलेगी? x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2. बट अभी ये जो 2 है ना, जो डिनोमिनेटर में जो 2 है उस 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2. तो क्या होगा? न्यूमरेटर का अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर का एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 1 डिवाइडेड बाय रूट 2. ओके, अभी यहां पे प्लस था, प्लस 0 और माइनस 0 हमने कंसीडर किया था, इसीलिए दोनों रूट्स हमको क्या मिलेंगे? सेम टू सेम ही मिलेंगे. यहाँ पे देख सकते हो पहला रूट भी सेम रहेगा और दूसरा रूट भी क्या रहेगा? 1 बाय रूट 2 ही रहेगा. क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो प्लस और माइनस क्या लिखता? मैं अंडर रूट 0 लिखता. सो आप प्लस करो 0 को या फिर माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो इसीलिए हमको x इक्वल टू 1 बाय रूट 2 और दूसरा भी क्या मिलेगा? 1 बाय रूट 2 ही मिल जाएगा. सो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सो ये जो इक्वेशन है, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हमको दो रूट्स कैसे मिल रहे? पहला रूट क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 और जो दूसरा रूट होगा वो दूसरा रूट भी क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 ही हो जाएगा उसमें. क्लियर? सो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है. बट एक चीज याद रखनी है इसमें, ये पहले आप लोगों को वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है. बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी विदाउट सॉल्विंग दिस, ये सॉल्व किए बिना आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव भी नहीं करना है आप लोगों को. ओके ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे और इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट कैसे फाइंड आउट करना है वो एक बार देख लेंगे. सपोज द इक्वेशन विल बी लाइक x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 3. ये हमको इक्वेशन दिया गया है और उन्होंने एक नोट में मेंशन किया है x इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी. सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है हमको? b स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू निकालनी है. b स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं, ये पहले हमको चेक करना है. लेकिन ये चेक करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी हमको इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. फर्स्ट वी हैव टू राइट आउट दिस इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो फॉर राइटिंग दिस इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अगेन x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय x से. सो ये x और ये x क्या हो जाएंगे? x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक ही बचेगा और इक्वल टू क्या रहेगा? 3x ही रहेगा. सो ये 3x राइट साइड में निगेटिव है, उधर लेफ्ट साइड में अगर आएगा तो इधर पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड में पॉजिटिव है, जब लेफ्ट साइड में आएगा तो वो निगेटिव बन जाएगा. तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है. तो हमको कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो चुका है? 1, b इक्वल टू बन चुका है माइनस 3 और c इक्वल टू होगा हमारा 1 और c की वैल्यू क्या होगी? दैट इज c इक्वल टू 1. तो फाइंड आउट करो b स्क्वायर माइनस 4 ac. b स्क्वायर
माइनस फोर ए सी, सो बी स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर 9 बन जाएगा, माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई ए, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की भी वैल्यू कितनी है 1, सो 9 माइनस फोर कितना आएगा 5, और 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो हमारा इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू क्या है हमारा इक्वेशन, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय 2a। सो माइनस बी, बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारी कितनी आई थी, माइनस थ्री आई थी, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा, प्लस और माइनस इसकी वैल्यू हमको बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितनी आ चुकी थी 5 आई थी, तो इस 5 को मैं एज इट इज रखता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 1 है, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ए की वैल्यू 1, सो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पे हमको दो वैल्यूज कैसे मिलेंगे, फर्स्ट x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, ये एक वैल्यू हो चुकी है, और उसकी दूसरी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, सो इस प्रकार से आपको दीज आर द टू डिफरेंट रूट्स, मतलब ये क्या हो चुका है, दैट विल बी योर फर्स्ट रूट, प्लस कंसीडर करोगे तो आपको एक रूट मिलेगा और माइनस अगर कंसीडर करते हो तो आपको दूसरा रूट भी वहां पे मिल जाएगा, सो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, क्लियर। सो पहले चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन होता है तभी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, अदरवाइज दिस कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, वो कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं हो पाएगी, ओके राइट। तो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे लास्ट मेथड आती है नेचर ऑफ रूट। अभी यहाँ पे नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है कि जो भी रूट हमको मिलेंगे वो रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, यही हमको पता चल जाएगा। सो अगर आप देखते हो तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, और उसको जो रूट होगा वो रूट कैसे, रूट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई 2a। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको तीन डिफरेंट कंडीशंस मिलेंगे, सो द फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग दैट, पहली कंडीशन हमको क्या बताती है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है, आर ग्रेटर देन 0, वी गेट द टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो हमको दो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिल जाएंगे, क्लियर। सो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट कौन से होंगे, पहला रूट ये होगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और जो दूसरा रूट होगा वो दूसरा रूट ये होगा, दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी स्क्वायर ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो ये आप लोगों को याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होती है तो हमको कौन से रूट मिलते हैं, ये ऑप्शंस आपको, मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरीके के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। एंड सेकंड थिंग्स, अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0 होता है, देन हमको एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, देन एक्स इज इक्वल टू पहला क्या मिलेगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, और जो दूसरा होगा वो दूसरा भी क्या मिलेगा माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, इफ दिस इज द कंडीशन, ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। और अगर थर्ड कंडीशन होगी, ये यहाँ पे देख सकते हो, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर बोथ, मतलब दोनों रूट आपको क्या मिलेंगे माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a,
कौन से केस में इफ द कंडीशन विल बी लाइक दिस दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू जीरो मिलते हैं तो आपको दोनों के दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, इक्वल ही मिलेंगे। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, अगर ग्रेटर देन है तो आपको दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे, अगर इक्वल टू जीरो होता है तो आपको दोनों रूट सेम मिलेंगे, और अगर लेस देन जीरो होते हैं तो देर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, देयरफॉर देर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस केस। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से कम मिलती है तो हमको उस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, वी विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ द रियल रूट्स इन द थर्ड केस, राइट। और ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है सबसे लास्ट वाला, सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी हैज रियल रूट्स और नॉट, मतलब यहाँ पे एक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू चेक करनी है, अगर ग्रेटर देन जीरो होती है तभी फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अगर लेस देन जीरो होगा तो देर विल बी नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, त्या क्वाड्रेटिक इक्वेशनचे कुठल्याच प्रकारचे रूट तुम्हाला मिळणार नाहीत जर बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी ची व्हॅल्यू जर झिरो असेल तर, सॉरी झिरो पेक्षा कमी असेल तर, ओके। म्हणून हा बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी, इसीलिए इस बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी को क्या बोलते है, डिस्क्रिमिनंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके, बिकॉज दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये जो फैक्टर है ना यही फैक्टर हमको बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, सो इसीलिए इस वर्ड को आप लोगों को याद रखना है, डिस्क्रिमिनंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनंट। अगर एग्जामिनर आपको पूछता है फाइंड द डिस्क्रिमिनंट ऑफ द इक्वेशन, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आप लोगों को एज इट इज याद रखना है, सिंपल याद रखो है, देखो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, तो आपको क्या मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल जाएंगे आपको, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो अगर होता है तो आपको टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट मिलेंगे, अगर b स्क्वायर माइनस फोर ए सी है तो आपको दो रियल अलग अलग रूट मिलेंगे, और अगर b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है तो आपको दो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, दोनों अलग अलग नहीं मिलेंगे, दोनों इक्वली मिलेंगे। और सबसे थर्ड कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, आपको रियल रूट मिलेंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स आर बी देयर, ओके। सो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एक मार्क के लिए या फिर दो मार्क के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम में आने वाला है, दो मार्क्स के लिए या फिर एक मार्क्स के लिए, ओके। सो इस प्रकार से जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट था, यूनिट नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ओके। यूनिट नंबर फर्स्ट एंड्स हियर, ओके, ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ओके। सो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने क्या क्या लर्न किया था, यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने फ्रैक्शन को लर्न किया था, ओके, फ्रैक्शन टॉपिक कवर किया है, दूसरा जो टॉपिक था हमारा परसेंटेज, परसेंटेज को भी हमने कवर अप किया था, जो हमारा थर्ड टॉपिक था, थर्ड टॉपिक इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमने कवर अप किया है. सो यूनिट नंबर फर्स्ट आज के दिन हमारा खत्म होता है. नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.